बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीद कोट पंजाब ने ये रिक्रूटमेंट निकाली है। इसमें स्टाफ नर्स की 35 पोस्ट है, एएनएम की 55 पोस्ट है, फार्मासिस्ट की 28 पोस्ट है, रेडियोग्राफर की 1 पोस्ट है और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 11 पोस्ट है। सभी पोस्ट हैं वो ईएसआईसी हॉस्पिटल तथा डिस्पेंसरी के लिए है जो कि पंजाब में पोस्टेड होने हैं। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल बताने वाला हूं, तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। इस वैकेंसी में कब तक एप्लीकेशन देना है, कैसे एप्लीकेशन देना है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, हर डिटेल दूंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब तथा पास में जो घंटे का निशान आ रहा है उसको भी दबा लो। चलिए आगे की डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले अपने स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए बात कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी है तो जो सैलरी है वो 11,000 रुपये मात्र पर मंथ आपको मिलने वाली है। कम सैलरी है। बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है, उसमें 10+2 प्लस जीएनएम बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी शर्त यह है कि पंजाब नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। पंजाब नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एएनएम की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। साथ साथ फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई है, यहाँ पर भी 11,000 रुपये पर मंथ सैलरी है और डी फार्मा बी फार्मा के हुए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद में रेडियोग्राफर की पोस्ट है, यहाँ पे भी 11,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद में आती है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की, 11,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको भी दी जानी है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स किए हुए कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी कोर्सों के लिए पंजाब नर्सिंग काउंसिल से, पंजाब की जो काउंसिल है वहाँ से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब एएनएम की बात आती है तो एएनएम को जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 9,600 रुपये फ्रेंड्स। इसके बाद में इन्होंने लिखा है कि 10+2 पास किए हुए कैंडिडेट्स तथा साथ में जिन्होंने फीमेल हेल्थ वर्कर या फिर एएनएम का कोर्स किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का डिप्लोमा किया है, कोर्स किया है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात वही है कि पंजाब नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए ही वैकेंसी है। 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होने वाला है फ्रेंड्स। एज है वो 18 से 37 वर्ष की होने वाली है 1 जनवरी 2019 को आधार मानकर। उसके बाद में जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है रिटन टेस्ट के आधार पर, आपकी मेरिट बनने वाली है फ्रेंड्स, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीद कोट पंजाब है, इसके लिए रिटन टेस्ट करवाने वाली है। ऑनलाइन अप्लीकेशन भरे जाएंगे जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की साइट पर अवेलेबल है फ्रेंड्स। 22 फरवरी 2019 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग गया तो इसको लाइक कर दें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें।